अगर आप एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसा है कि एक 160 सीसी की कोई पावरफुल स्कूटर आप लेना चाह रहे हैं, तो मेरे सामने खड़ी है एप्रिलिया की SXR 160। बिल्कुल ये 160 सीसी की स्कूटर है और डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख रहे हैं कितनी ही मजबूत और कितनी बड़ी स्कूटर दिखाई दे रही है। तो अगर आपको एक ओवरऑल साइज़ में भी बड़ा स्कूटर चाहिए तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। एप्रिलिया की स्कूटर इंडिया में अगर आप बात करें तो बहुत यूनिक भी लगती है, क्योंकि इसका डिज़ाइन लैंग्वेज सभी स्कूटर से थोड़ा डिफरेंट है। कि अगर आप एक स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो ये स्कूटर आपके लिए कैसी रहेगी, इसका प्राइस कितना है और ये कितनी वैल्यू फॉर मनी है, और इसमें जो जो फीचर्स मिलते हैं वो सारे क्या क्या मिल जाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट डिज़ाइन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये एक स्पोर्टी डिज़ाइन दिखता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, एक स्पोर्ट्स टाइप का स्कूटर आपको देखने में लगेगा। एप्रिलिया की ब्रांडिंग यहाँ पर मिलती है और कम्प्लीट LED सेटअप आपको हेडलैम्प में यहाँ देखने को मिलता है। और एक खास बात यहाँ पर ये दिखाई देती है कि इसका डिज़ाइन जो है वो एरोडायनेमिक्स जैसे सुपर बाइक्स में होता है उस तरीके से दिया गया है। तो आपको ये पूरी फिक्स है, ये हैंडल के साथ आपका मूवमेंट नहीं लेती है, हैंडल आपका जो है सेपरेट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे। और एक और आपको बात बताऊँ, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल बाइक जितनी मजबूत और लंबी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि ग्रैब्रियल की मिल जाती है। आपको यहाँ पे मिल रहा है डिस्क ब्रेक, वो भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत देखने को लगता है और ये 220 mm के आसपास का मिल जाता है आपको। अलॉय व्हील का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको टायर आपको काफ़ी यहाँ वाइड देखने को मिलता है। बिल्कुल जिस तरह से ये स्कूटर थोड़ी सी वाइड और बड़ी है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसका जो टायर है वो भी वाइड है और बड़ा है। और जो इसका ब्रेक है उसके साथ आपको यहाँ पे ABS मिलता है, क्योंकि लगभग 150 सीसी के ऊपर की बाइक की जो भी है सभी में ABS आता है। 120 सेक्शन के टायर से यहाँ पे आप यूजुअली चेक किया करते होंगे कि ज़्यादातर स्कूटर्स जो है 120 सेक्शन नहीं दिया करते हैं, 190 सेक्शन में ही सबकी कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है 120 सेक्शन, जो कि बहुत अच्छा बनाता है। प्रीमियम अलॉय व्हील डिज़ाइन, जो कि आपको लगभग फाइव स्पोक्स मिल जाते हैं और बहुत सारे कनेक्टिव्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ग्रैब्रियल का जो है वेजिंग दिया गया है, जिसके कारण ये देखने में अच्छी लग रही है। तो हैंडल यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक दिखाई देगा, मैं इसका की ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो इस तरह से कुछ एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिलता है, जो कि आप इतने दूर से भी मैं दिखा रहा हूँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप कितने स्पीड में चला रहे हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की सारी गतिविधियों को आप आराम से देख सकते हैं। और साइड में देखेंगे तो साइड में भी देखिए, साइड मिरर जो इसके सारे बटन्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हो गया या फिर मोड बटन हो गया, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न काफ़ी लाउड है और किसी तरह का आवाज़ में जो है वो फटने जैसा नहीं है। इसको अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ पे तो हमारा बूट जो है आगे वाला ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो आप चाहें तो मोबाइल अपने यूज़ कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं USB चार्जिंग पोर्ट के थ्रू। इसमें मोबाइल होल्ड भी हो सकता है, आप चाहें तो यहाँ पर भी मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, उसकी जगह यहाँ पर दी गई है। और इसको इस तरह से वापस लॉक करना आसान है, यहाँ पर की नहीं लगाना है और इसको यहाँ होल्ड करने के लिए दिया गया है। 3 kg तक का यहाँ हुक भी दिया गया है, तो आप कुछ हुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इतना कुछ एम्पल स्पेस आपको मिल जाता है जिसपे पैर आप आराम से रखते हैं, और साइज इतना है कि 10 इंच 12 इंच का जूता तक भी आराम से आ जाएगा, तो पैर रखने में ये साइज कम नहीं होगा। इवन बहुत लोगों को यहाँ पे पैर रखने की आदत होती है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ग्रिप बनाया गया है कि अगर आप पैर रखते हैं तो ये स्लिप नहीं करती है। इसमें अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड स्टोरेज को ओपन करना है और एक्सेस करना है तो की यहाँ लगाना पड़ता है सीट में, और उसके बाद आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप आराम से छोटा फुल साइज़ का हेलमेट और एक हाफ साइज़ का फुल बिग साइज़ का हेलमेट यहाँ रख सकते हैं। लाइट इसी में दी गई है, तो जब भी आप अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करेंगे तो आपको लाइट ऑन हो जाएगी, और ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइट इसी से काम करता है। यहाँ आप देखिए, चलिए ये साइज़ हो गया। सीट की लंबाई अच्छी है जिसके कारण इसका जो ओवरऑल साइज़ है लंबाई में वो अच्छा मिल जाता है। 7 लीटर का फ्यूल टैंक्स मिलता है आपको इसमें, क्योंकि ये एक 160 सीसी की स्कूटर है, जिसके कारण आपको इसमें फ्यूल टैंक जो है वो बड़ा मिलता है नॉर्मल से। आइए थोड़ा क्वालिटी की बात करें, तो 12 इंच का आपको चक्का जो है या टायर जो है वो पीछे भी मिलता है। तो ये टायर आप देखिए, इसके अलॉय व्हील के डिज़ाइन को देख सकते हैं, 120/70R, मतलब ये 12 इंच का मिलता है आपको, जिसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। और पीछे से अगर हम देखेंगे रियर लुक, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ चौड़ाई भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये 120 सेक्शन है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जो इसका CVT है वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसकी आप मेटल बॉडी देखिए, ये कितनी खूबसूरत लगती है। बहुत सारे आजकल तो प्लास्टिक भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये प्रीमियम स्कूटर है, मैंने आपको बोला
तो उस सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ डेफिनेटली दिखाई देता है। इसका छोटा गियर बॉक्स भी आपको काफ़ी यहाँ मजबूत दिखाई देगा। किक स्टार्ट इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि 160 सीसी है, बहुत कंपनियाँ हटा भी देती है, लेकिन यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिलेगा। ये 3V टेक है। इसके इंजन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इसका इंजन जो है वो लगभग 11.7 या 8 के आसपास का आपको पावर जनरेट करता है BHP में। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो ये स्कूटर लगभग 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। अब ये 3V टेक है, यानी कि इसमें 3 बल्ब यूज़ किया गया है। जब ये स्कूटर चलती है तो इसमें जैसे नॉर्मली स्कूटर्स में 2 बल्ब होते हैं, एक जो हवा अंदर लेता है, एक हवा बाहर छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 बल्ब हवा अंदर लेते हैं और एक हवा बाहर छोड़ता है बल्ब। उससे आपकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब आप ऑन रोड, अगर आप पावर जो मैंने आपको पावर फिगर्स बताए उसके मुकाबले जब आप प्रैक्टिकली में इसको ऑन रोड चलाइएगा, जो कि मैं अभी चलाकर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको सच में महसूस होगा कि इसकी पावर नॉर्मल स्कूटर से आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जबकि इसका आपको टॉर्क जो है 11 न्यूटन मीटर ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको ऑन रोड ये ज़्यादा पावर देती है। चलिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, जितनी सभी स्कूटर से मिलती है लगभग उतनी ही है, ना कम आप बोल सकते हैं ना ज़्यादा बोल सकते हैं। एप्रिलिया की ब्रेजिंग यहाँ भी देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छा चीज़ लगेगा जब रियर साइड आएंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा ग्रैब रेल, बहुत मजबूत सा बड़ा सा ग्रैब रेल मिलेगा। एप्रिलिया की ब्रेजिंग मिलेगी और इंडिकेटर की रोशनी भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर से एक बार ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक में आप देखिए टेल लाइट कितनी अच्छी, इंडिकेटर्स कितनी अच्छी, तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी यहाँ दिखाई देगी। अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया। इसका आप साइलेंसर देखिए, जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बड़ा है। आप इसके पूरे ओवरऑल साइज से आप देख सकते हैं कि साइज़ वाइज ये कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे बड़ा देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ रियर लुक से भी देखें तो भी कितना बड़ा है। और उससे भी खास बात है कि अगर आप घर में रखते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ आप देखने को मिलेगी, ये पूरा कवर किया गया है, कम्प्लीटली कवर्ड है। ठंडा होने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जगह हवा अंदर जाए, बाकी आप देखेंगे तो पूरा ये फाइबर से जो है वो कवर किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इधर से आप देखेंगे तो फ़ैन कूलिंग होता है, जानते हैं आप कि जो भी स्कूटर्स होती हैं वो फ़ैन कूलिंग होता है, तो उसका सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फुटरेस्ट कुछ इस डिज़ाइन में यहाँ पर बनाए हुए मिलेंगे। अब बात करते हैं बॉडी की, क्योंकि सब कुछ अगर मजबूत है तो हमें बॉडी कैसी मिलती है। तो ये ABS मटेरियल की बॉडी होती है। ABS मटेरियल कहने का मतलब होता है जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है वो मटेरियल और ABS मटेरियल में अंतर होता है। ये अंतर आपको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप प्लास्टिक का हेलमेट लेते हैं तो लगभग 1200 लगता है, लेकिन आप वही आप ABS मटेरियल का हेलमेट लेते हैं तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये से मिनिमम प्राइस से वो शुरू होती है। तो उसी तरीके से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसका मटेरियल लगभग 3 गुना ज़्यादा महंगा आता है। ये ABS मटेरियल जो इसका जिससे इसका बॉडी बना हुआ है तो वो लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा बेटर होता है और महंगा होता है, जिसके कारण ये जल्दी क्रैक्स नहीं आते हैं। जो नॉर्मली आप देखें किसे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कचकरा बोलते हैं, तो वो आ जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि ये ABS मटेरियल है। तो चलिए इस स्कूटर को चलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं स्कूटर के नज़दीक आता हूँ तो मुझे अच्छा क्या लगता है, इसका हैंडल का डिज़ाइन जो है बिल्कुल यूनिक है। आप सभी में ऐसे एक फ्लैट ऑन हैंडल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से कुछ हैंडल दिखाई देता है। स्टार्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये मोड बटन क्या काम करता है। तो यहाँ मोड दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, एवरेज मैक्सिमम स्पीड कितना गया है, वोल्ट कितना गया है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। इंडिकेटर ऑन है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि इसका जो मीटर है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण सभी कुछ बहुत क्लियर और साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं इसको जब एक पिकअप देता हूँ तो आप देखिए इसका पिकअप काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन 50-60 का स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल स्कूटर्स में आप जब भी जाते हैं तो वहाँ पे जब आप पिकअप देते हैं और यहाँ पे जब आप पिकअप देते हैं तो जो 11 न्यूटन मीटर बाकी मोटरसाइकिल्स में आपको जो दिखाई देता है और जो यहाँ मिलता है ये ज़्यादा फील होता है। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे एक ईरर है, जो कि उन मोटरसाइकिल्स में आपको पिकअप थोड़ा सा लिखा हुआ ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन रियल लाइफ आपको पिकअप कम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 11 न्यूटन मीटर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस तरह एक्सेलरेट करता हूं तो आप देखिए इसका पिकअप जो है वो तुरंत गेन करता है और 60-70 के आसपास जाने लगता है। उसके बाद हालांकि 12 इंच का व्हील है यहां पे, देखिए आप, तो जो पिकअप है वो डेफिनेटली आपको यहां पे सरप्राइज करेगा कि हाँ कितना जा रहा है। इवन देखिए अभी मैं आराम से जो है वो 90 के स्पीड में आराम से यहाँ चला पा रहा हूँ। आप मुझे और थोड़ा समय दूँ तो मैं 100 भी यहाँ पे आराम से जा सकता हूँ। उससे भी अच्छी बात क्या है कि एक स्कूटर होने के बावजूद 90 और 100 के स्पीड में मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है।
ये स्कूटर नॉर्मल स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम किसी भी स्कूटर में थोड़ा सा इनिशियल से जब हाई स्पीड्स में जब जाने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब नोटिस करेंगे तो हमें वाइब्रेशंस नहीं ज़्यादा महसूस हो रही। जैसे इनिशियल्स में खासकर आप कहीं भी जाएंगे किसी भी स्कूटर को चलाएंगे तो जैसे ही आप इस स्पीडर में इंटर करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको जीरो किया, ठीक है, मैं यहाँ पे स्लो कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको पिकअप देना शुरू करूँगा तो नॉर्मल स्कूटर्स बहुत ज़्यादा तड़पती हैं और थोड़ा वाइब्रेट करती हैं उसके CVT के कारण। इसका CVT बॉक्स मुझे लगता है कि नॉर्मल से थोड़ा सा बेहतर बनाया गया है। जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो सिर्फ स्पीड जो है वो तुरंत यहाँ पे पकड़ रही है, ऐसा नहीं कि पहले वाइब्रेट कर रही है फिर थोड़ा डिले स्पीड है। इसको जैसे ही मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ स्पीड तुरंत पकड़ रही है, और 40 क्रॉस करने के बाद तो और भी ज़्यादा ये जो है पिकअप जो है वो कैच करने लग रही है, मतलब इसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और इसका एरोडायनेमिक्स इतना अच्छा बनाया गया, मैंने बोला कि इसका शेप कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा, तो वो मुझे लग रहा है जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है इसके स्पीड को चलाने में। जब इसको मैं स्पीड चला रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मुझे बॉडी रोल नहीं दे रही है, बॉडी मुझे नहीं कह रहा है कि तुम इधर चले जाओ उधर चले जाओ, इसके बॉडी मुझे बैलेंस करके यहाँ पर कह रही है, बैलेंस करके होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब एक बाइक वाला जो फील आता है ना 70-80 की स्पीड में, तो वो फीलिंग आ रहा है कम्फर्टेबल हैंड वाला। तो ये एक और कारण से आ सकता है क्योंकि हमने जनरली जो है वो 100-110 सेक्शंस तक के ही टायर वाले स्कूटर चलाए हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट व्हील और रियर व्हील यानी आगे और पीछे दोनों ही चक्का यहाँ पे हमें मिल रहा है 120 सेक्शन का। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है जो ब्रेक, वो मैं बात करूँ तो ब्रेक मैंने अभी यहाँ पे दबाया, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। इवन ABS होने के बावजूद भी मैंने इसको सॉफ्टली ब्रेक दिया तो ABS तक पहुँचने से पहले भी पावर ब्रेक जो है वो काम कर जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। और मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पिकअप कि कैसे चल रहा है, मतलब ये स्कूटर नॉर्मल से बहुत बेहतर है। यहाँ पे मुझे लग रहा है तुरंत 80 का स्पीड पकड़ती है और मैं नॉर्मली 80 के स्पीड में इसको चला पा रहा हूँ। चलिए कुछ पॉजिटिव और हर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब ये स्कूटर को हम चलाएंगे तो कितना माइलेज देगा, क्योंकि इसका पावर पिकअप सब कुछ ज़्यादा है और 160 सीसी सेगमेंट की भी स्कूटर है। तो अगर हम इसको 40, 45, 50 की स्पीड में चलाएंगे यानी 50 की स्पीड के आसपास, तो आपको ये 45 से 50 के आसपास का माइलेज देगी जो कि जनरली इस स्कूटर देती हैं। आपको 40 से 45 के बीच का ही माप मान के चलिए तो आप ज़्यादा संतुष्ट रहिएगा। और अगर हम इसको जैसे मैं अभी चला रहा हूँ तो आपको 40 ही देगी, 40 के ऊपर जाने की संभावना कम है, 40 के आसपास ही देगी, क्योंकि मैंने अभी इसको बार बार 80 के स्पीड में चला रहा हूँ, लेकिन स्मूथ काफ़ी है ये मुझे महसूस होगा। एक प्रीमियम स्कूटर है तो प्रीमियम और 160 सीसी में आप जाएंगे तो आप इतना माइलेज ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके मुझे लग रहा है, प्लस विंड फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, आप महसूस कर रहे होंगे कि विंड अभी हवा बहुत चल रही है, तो विंड फ्लो ज़्यादा होने के बावजूद भी स्कूटर मुझे बहुत कंफर्टेबल है। इसका हैंडल छोड़ के भी ये स्कूटर मुझे बहुत हैंडी लग रही है, मतलब बहुत पकड़ में, वो बोलते हैं ना एक पकड़ में स्कूटर रहने वाली, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिल रही है। अब प्राइस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्कूटर 160 सीसी की है तो प्राइसिंग भी 160 सीसी के अनुसार होगी। तो इस स्कूटर का प्राइस 1.65 लाख तक आता है, मतलब 1,60,000 से 1,65,000 रुपये के बीच में आपको प्राइस पड़ेगी शोरूम्स में। तो जितना ये स्कूटर रिजर्व करता है, जिस तरह इसमें आपको बॉडी मिलती है, जो इसके फीचर्स मिलते हैं, जो इसमें इंजन पावर मिलता है, और ये 3-वाल्व इंजन का कमाल ही है कि आप तुरंत यहाँ पे एक्सेलरेटर देते हैं और तुरंत ये स्कूटर जो है वो लगभग 80 को क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाती है, और मतलब कोई भी हेजिटेशन भी आपको नहीं होता है क्योंकि इसमें आपको मोनोकॉक चेसिस मिलता है जो कि आपके अच्छे अच्छे बाइक्स में जो कि हाई स्पीड में चलने के लिए बनाई जाती है उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो वो वाला चेसिस इसमें यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसका कम्फर्ट, इसका जो पकड़ है, रोड ग्रिप है, इसकी जो हैंडलिंग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर मिलती है। और जब इस बाइक को लीन भी करते हैं तो 120 सेक्शन का टायर्स जो है वो आपको बहुत अच्छा ग्रिप देता है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो
लीक से हट के आप अगर जाना चाहते हैं, अगर आपका बजट जो है वो 160 तक का है कि स्कूटर के लिए, और खासकर अगर 160 सीसी में देखें तो इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं है। 160 सीसी के अनुसार इसका दाम सही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई कॉस्टली स्कूटर है। तो उस सी सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं तो ये 50-60 की स्पीड में चलने के लिए बहुत बेहतर स्कूटर है, क्योंकि इसका वेट भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। मेरा वेट लगभग 65 केजी है, 5.7 इंच है, मेरे हाइट के साथ मेरे वेट के साथ ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है। उसी तरह अगर आप भी चलाएंगे तो 6 फुट का बंदा भी इस पर आराम से चला सकता है, उसको ये स्कूटर अंडर पावर नहीं लगेगी। अंडर पावर क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें पावर जो मिलता है, जो इनिशियल्स में मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और 40 के स्पीड के बाद जो 80 के स्पीड के बीच का पावर है वो भी आपको मिड रेंज में काफ़ी अच्छा पावर मिलता है। तो होपफुली आपको इस स्कूटर के बारे में सारे कुछ समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, मेरी तरह खुद चला कर देखना चाहते हैं, तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पटना में एक ही शोरूम है जहाँ पर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको ईजिली टेस्ट राइड वहाँ पर मिलेगी। तो आप चलाकर खुद देखिए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको यह स्कूटर कैसी लगी, और आपको स्कूटर चलाने के बाद कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।